और ज्यादा है जब तक वह भूल ना जाए। क्यों? क्योंकि बार बार जवान वहीं चली जाती है, बार बार जवान वहीं चली जाती है। युगल जी ने अपनी पूजन में से दो छंद बदल दिए। क्यों बदल दिए, क्या बदल दिए, मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं। अब लोगों को पुराने याद हैं, देख के तो कोई पढ़ता नहीं पूजन, पूजन को तो देख के पढ़े तो उसे तो सेकंड नंबर पुजारी माना जाता है। जो बराबर बनी आंख देख के पढ़े वही अपने को बड़ा अच्छा माना जाता है पुजारी। जो पंडित बिना देखे पढ़ता रहता है वो बड़ा पंडित माना जाता है, देख देख के पढ़ता है वो छोटा माना जाता है। तो फिर वो बराबर पुराना वाला बोलता रहता है, पुराना वाला बोलता रहता है। बताई दूं क्यों वो बदली है उनने, अब विद्वान लोगों को तो बता देता हूं कि पहले जो उन्होंने देवसाज गुरु पूजन लिखी थी उसमें ये अग्नि जल दिब्बों से भूख मेरी शांत नहीं हुई और ये ऐसे हैं ये ऐसे हैं, उनकी कहीं कहीं निंदा भी आई थी। जग के इस जड़ दीपक से, इस जड़ है दीपक जड़ है, अब वो तो ज्ञान का प्रतीक है जड़ जड़। तो वो कहते ये भी एक तो भगवान की निंदा भी नहीं होनी और उन द्रव्यों की भी निंदा नहीं होनी। प्राणी पूजने यही थी ना कौन के कितना बढ़िया जल है, कितना बढ़िया चंदन है, कितना ये है। मैंने एक दफा सुनाया था ना, लोचन सुरसना ग्रहण और उत्साह के करता रहे। तुमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, इसका अर्थ आता है, आता कि कोई बताएगा? तो फिर मेरा बताना सार्थक है, वैसे मुझे इतना जानना है कि एक वो कह लगा भगवान की भक्ति है हो रही ना, तो भगवान की बात होनी चाहिए थी। लेकिन कवि क्या कह रहा है, ये जो फल है ना जो मैं आप हाथ में लिए हूँ, ये इतने बढ़िया हैं कि आँख से देखो तो आँख तृप्त हो जाती है, जवान में मुंह में पानी भर आता है। लोचन सुरसना और ग्रान, इसकी इतनी बढ़िया गंध है कि नाक फड़कने लगती है। और माने हृदय, इसमें उत्साह भर देते हैं। तो ये फल की प्रशंसा है भगवान की नहीं। देखो लोचन सुरसना ग्रान और उत्साह के करतार हैं कौन, सो फल चढ़ावत, ऐसे फल वो पे न उपमा जाय बरनी। ये अनुपमेय है सिद्ध भगवान जैसे, इनकी उपमा भी मैं नहीं बता सकता हूं। वो सरस बिल्कुल रस से भरे हुए हैं, वो फल गुण सार हैं। फलों में जितने गुण होते हैं वो सब इनमें हैं। जो हाथ में लिए हैं ना वो रूखी रूखी बादाम सड़ा नारियल, फिर मंदिर के तो अलग है, खड़े कौन से चावल कहलाते हैं जो घर में कभी खाने में नहीं आती हैं, वे सब लिए हैं और उनमें बोले जा रहा इतना बढ़िया बढ़िया। तो हमको ऐसा लगा, युगल जी को लगा सबसे पहले कि ये भगवान की स्थिति है कि फल की। तो हमने हम लोगों ने ये प्रयोग किया, जो बदली है पूजने उनमें ये प्रयोग किया कि हमारे पास दो लेने चार लेने मिली हैं तो हम भगवान के ही गुण गाएं। और इन फलों की इनकी चर्चा जब आवे तब ये किसी काम के नहीं है, इस रूप में ही आने। क्यों, अब तक अग्नि जड़ द्रव्यों से भूख न मेरी शांत हुई, तो अभी बेकार हो गए ना फल, इनने में कोई फायदा नहीं हुआ मेरे को। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, तुम्हारी दवाई से कोई फायदा नहीं है, बदल दो, फेंक दो इस दवाई को, इसलिए मैं इनको छोड़ने आया हूँ, समर्पण करने आया हूँ। तो अब वो उनने ऐसी तो बनाई, तो पहले तो वे छंद सब ऐसे ही थे शुरू से अंत तक। अब वो लोगों को बहुत पसंद आया तो सब लोगों ने उसी लेन पे पूजा लिख दी, हमने भी, मैं भी उसमें, समझ लो थोड़ी प्रेरणा वहां से मिली और फिर अपन ने उसको विस्तार दे दिया। अब बाद में ना मैंने उनका क्या विचार बदला कि नहीं साहब इनकी सामग्री की निंदा नहीं होनी चाहिए। अब सुने ना, तो उनमें जब उनने कहा तो बड़े दादा ने किताब लिखी थी जिन पूजन रहस्य, तो उसमें सब उनने ये सब स्टाइल बताई थी कि पहले ऐसी थी पूजनी, अब ऐसी हैं, अब ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ।
तो जब वो बात ज्यादा फैली, यानी वो जो सोची थी वो ही जब चर्चा में आई और लोगों ने वैसी वैसी बना दी, तो नवान उनको कब क्या लगा, तो वो ये कहने लग गए कि नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा आपकी पूजन में है, हम तो वहां से देख के लिखी, अब आप कहने लग गए ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने उनमें से दो छंद बदले, एक शायद दीपक का है और एक नई वेदी का है, क्यों दीपक कोई जड़ है दीवे हैं, दो बदले हैं हम तुमको, जिनने नई पढ़े उन्हें तो पुराने मालूम ही नहीं है ना, तो दो छंद बदले उन्होंने। अब दादा की तो पूरी किताब थी और लाखों बट गई, वो 3 लाख करीब बट गई लोगों में, और सब जो पूज रहे वो बाकी सबने लगा लिया, हम तो सब मान रहे कि भाई वही सही है, अभी भी हम आज भी मान रहे अभी भी, तो हम क्यों बदलेंगे। उनका विचार बदल गया तो बदल गया, भले ही हमारे उनसे हमें प्रेरणा मिली हो, लेकिन वो बात तो हमें सही लगी ना, सही है। तो हमने उनसे कहा भी कि आप ये बदल दोगे तो सारी धारा जो चल पड़ी है अब वो तो बदलेगी नहीं, और ये और सिद्धों का कि सुनने वाले ने दो गलती थी, उनने गलती मान ली और बदल दी, तो ये तो बदल देते हैं, जो कुछ पता चले की बातें सामने आएंगी, लेकिन नहीं, उनको तो तीव्रता से वो भाव आया। अब वो हजारों किताबें बाल बोध पाठमालाओं में छप गई ना पूजने, और सब बच्चों को याद हो गई, यहाँ हो गई, अब बहुत दिनों तक वो बदला बदली नहीं हुई, तो बार बार हमारे पास पत्र आए कि हमारी सब जगह बदलो नहीं तो बंद कर दो, ऐसा कर दो ऐसा कर दो, और हमारी पूजन हटा दो आप अपनी डाल दो। भैया हमें वो क्या बदल देंगे, हमें क्या लेना देना है। लेकिन वो जो एक समीक्षा चली गई बड़े दादा की लिखी, वो तो लोगों के दिमाग में आ ही गई ना, अब दोनों ही पक्ष हैं, तो वो भी आपका पक्ष था ये भी आपका पक्ष था, तो पहले आप सही समझते थे गलत समझते, तो उन्होंने उनमें इसी टाइप का बदलाव किया है, कहने वो उसकी तो प्रशंसा ही होनी चाहिए। तो फिर ये नई धारा चलाने का कोई मतलब ही नहीं था, फिर तो वही थी, तो वो छंद अब लोगों को पुराने आते नए अभी भी ऐसे ही चलता है, बुजुर्ग लोगों को तो वही याद है, वही चलता है, ऐसा चलता है। अभी तुम रिसर्च करने के काम आएंगी कभी ये चीज़ें, तुम लोग करोगे तो है ना है? तो ये समझ में आएगी क्या है। देखो ये अपने गाथाएं 16 कैसे बनानी, वो तो आपके ख्याल में आ गया ना। अब ये अंतिम गाथा का अर्थ है, इस प्रकार सम्यक दृष्टि अपने को जानता और राग को छोड़ता हुआ नियम से गैराग और ज्ञान वैराग के संबंध है, अपने को जानता इससे ज्ञान संपन्न है और राग को छोड़ता इससे वैराग संपन्न है, हेतु आ गया ना। इस प्रकार सम्यक दृष्टि 198वीं गाथा में सामान्यतया और 199वीं गाथा में विशेषतया बताए गए प्रभाव स्वरूप सब भावों से स्वयं को भिन्न जान कर टंकोत्कीर्ण गायक स्वभावी आत्म तत्व को भली भांति जानता है। ये आया था ना उसमें कि सामान्य से और विशेष से गाथा में है, देखना जरा टीका ही में है, हाँ टीका ही में है, गाथा में नहीं है। उनने दो बातें डाली इसमें, सामान्य और विशेष, हाँ देखो इन्होंने उत्थानिका में डाली कि सामान्य से और विशेष से। अब ये सामान्य विशेष की बात इन्होंने डाली अमृतचंद ने, अब जैसे इनके जमाने तक आते आते लोगों की समझ में नहीं कि सामान्य क्या और विशेष क्या, तो उन्होंने सामान्य और विशेष का अर्थ समझाया, बहुत अच्छा अर्थ है, न्याय की भाषा का अर्थ है, विवक्षा का अभाव उसका नाम सामान्य है और विवक्षा लगाना उसका नाम विशेष है, इसमें लिखा है तुम्हारी किताब में। देखो ये सबसे नीचे की पंक्ति 166 पेज में पहला पैरा पढ़ लो, यहां सामान्यतया और विशेषतया शब्दों का प्रयोग किया गया है, इनका क्या आशय है। तात्पर्य वृत्ति में इन गाथाओं के उपरांत एक गाथा आती है जो आत्मख्याति में समागत 198वीं गाथा के समान ही है, उसकी टीका में आचार्य जयसेन सामान्य का स्पष्टीकरण करते हुए लिखते हैं विवक्षा के अभाव को सामान्य कहते हैं। ये उनकी तरफ से लिखा हुआ है पूरा, विवक्षा के अभाव को सामान्य कहते हैं। अब ये क्या,
ये न्याय की भाषा है दुनिया की, समझ विवक्षा का अभाव क्या, कि जब किसी बात को विवक्षा लगा दो तो वो विशेष कथन हो जाता है, और विवक्षा नहीं लगाओ तो वो सामान्य कथन होता है। जैसे कह दिया राग छोड़ो, तो ये सामान्य कथन हो गया। फिर कह दिया क्रोध छोड़ो, मान छोड़ो, माया छोड़ो, लोभ छोड़ो, तो ये विशेष हो गया। अच्छा कसाय छोड़ो, ये सामान्य हो गया। और फिर क्रोध मान माया लोभ एक एक का छोड़ने को कहा, वो विशेष हो गया। भाई तीसरी बात है, अब सामान्य से वो विशेष से, माने सामान्य जब हम कहते नहीं सब विद्यार्थियों को आ जाना है, फिर कहते हैं देखो साथ ही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर हर एक को आना है, तो तुमने सब कह दिया था ना, लेकिन उसमें से लोग अर्थ निकाल लेते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं विशेष कथन सामान्य से बलवान होता है। आगे बहस हुई तो लिखना पड़ा आचार्य को, सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत, सामान्य शास्त्र से विशेष कथन बलवान होता है। और नीचे की पंक्ति बहुत खतरनाक है, निर्विशेषो ही सामान्यम भवेत खरबसाणवत, विशेषों के बिना का सामान्य गधे के सिंह के समान होता है। तो लोग कहते क्या, अब जो जो दृष्टि का विषय है तो सामान्य है ना, सामान्य अभेद एक वो बड़ा, अब ये सामान्य इसमें कहते गधे के सिंह के समान, तो लोग बहुत घबराहट छूटती है, सुनने लगे मुक्तियों में पूरा न्याय शास्त्र तो उन्होंने पढ़ा नहीं है, तो इसका तो मेरे को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। सबसे पहले मेरे को गुरुदेव के सामने बैठकर क्लास लेने का मौका मिला, पहले वो क्लास रामजी भाई लेते थे और गुरुदेव पूरी क्लास में बैठते थे और सुनते थे। तो रामजी भाई की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई और वो उनका बोलना शब्द निकलना मुश्किल हो गया, तो ये बात आई कि भाई ये क्लास दूसरे को देना चाहिए, उनकी बंद करो। बंद किया तो लालचंद भाई को वो क्लास दी गई, और एक साल लालचंद भाई ने ली, लेकिन उसमें बहुत इतना वो हुआ कि गुरुदेव के मुँह से कुछ ऐसे कमेंट्स निकल गए कि भाई ये बात सही नहीं थी, ये सही थी, तो वो लालचंद भाई ने कह दिया कि मैं तो नहीं लूँगा, मुझे नहीं लेना। उस वक्त बहुत डर लगता था लोगों को कि गुरुदेव के सामने यदि हमने बोला किया और उनने एक आध हमारी गलती बता दी तो आज तक की हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए लोग बोलते नहीं थे। फिर मेरा नंबर आया, मैंने कहा कि आप लोग, उन्होंने कहा ले लेंगे, तो लोगों ने हमको बताया कि देखो ये तुम्हारी भी वही हालत होगी, हमें तो कोई डर नहीं है, कितनी भी गलती निकाल दें गुरुदेव, गुरुदेव के सामने गलती नहीं निकलेगी तो कहाँ निकलेगी वो निकल जाएगी ना गलती, गलती जो होगी वो निकल जाएगी ना, रहेगी तो नहीं ना, इसलिए हमको तो हम तो लेंगे। फिर हमने नए चक्र की क्लास ली, नए चक्र पे हम उस वक्त लिख रहे थे, अपने यहाँ तो किताबें थी नहीं, भारतीय ज्ञान पीठ से किताबें मंगाई, वो है दिव्य सुहा प्रकाशक नए चक्र, और उसकी 500 किताबें वहाँ से मंगाई, सोनगढ़ में हर एक के हाथ में दी और वो क्लास लगी। वो 20 दिन तक गुरुदेव बराबर बैठ के सुनते थे, तो उसमें ये प्रकरण आया और मैंने ये छंद सुनाया कि निर्विशेषो ही सामान्यम भवेत कर विषाण वत, बस उस बात लोगों ने खूब उस पर नमक मिर्च लगाया, जो गिनाना चाहते थे कि देखो ये तो दृष्टि के विषय में पर्याय को शामिल करते हैं और कहते हैं पर्याय के बिना दृप्य तो गधे के सिंह के समान है, होता ही नहीं है, वो बहुत बहुत बातें आई, तो कैसे क्या हुआ निपटा वो मामला, एक आध दफे मैं सुना चुका हूँ, अभी बताऊँगा नहीं, लेकिन जब भी ये प्रकरण आता है तो मुझे वो याद आ जाती है। ये यही बात है सामान्य से और विशेष से, तो जब इसमें लिखा ना जैसे नाचार्य ने कहा है इस प्रकार तत्व को जानता हुआ है, स्वभाव के ग्रहण और प्रभाव के त्याग से उत्पन्न होने योग्य अपने वस्तुत्व को प्रकट करता हुआ सम्यक दृष्टि जीव कर्मोदय के विपाक से उत्पन्न हुए समस्त भावों को छोड़ता है, इसलिए वह नियम से ज्ञान और वैराग्य से संपन्न होता है। अब यह सामान्य विशेष का अर्थ आपको बता दिया कि कैसे, ये वो सामान्य विशेष नहीं है, वो ये बस विस्तार से कथन करना भेद विभेद से उसका नाम विशेष, और संक्षेप में करना उसका नाम सामान्य।
सामान्य कथन और विशेष कथन। इसके लिए उदाहरण देते हैं ना, पीत पद में शुक्ल लेसा द्वित्री शेषेशु, तत्वा सूत्र में लिखा है कि 16 स्वर्गों में कहाँ कौन लेसा होती हैं, तो लिखा पीत लेसा, पद्म लेसा और शुक्ल लेसा द्वित्री शेषेशु, दो युगलों में माने 4 स्वर्गों में पीत लेसा, फिर त्री माने 3 युगलों में माने 6 स्वर्गों में पद्म लेसा, और बचे कितने 4, तो उसमें शुक्ल लेसा। अब जब राजवार्तिक में सर्वा सिद्धि में इसके विस्तार से कथन किया तो उसमें ऐसा लिखा कि पहले और दूसरे में पीत लेसा और तीसरे और चौथे में पीत और पद्म मिला के, ऐसा लिखा। माने ये जो लिखा था तत्वा सूत्र के सूत्र में, इससे थोड़ा अलग हटके था, तो वहां प्रश्न किया कि मूल सूत्र में तो ये बात है नहीं और आप कह रहे कि ये है, तो आपने कैसे लिखा कि वो सामान्य कथन था और हम विशेष कथन लिख रहे, तो दो में सत्य कौन है? तो लिखा सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवे, है ना। तो उन्होंने कह दी विशेष कथन वो बलवान होता है, इसलिए हम कह रहे हैं वो सही है, सुना। इसके मूल सूत्रकार कह रहे हैं वो झूठ और तुम कह रहे हो वो सही, आप समझ गए ना कि हाँ ऐसी पद्धति है सामान्य से कथन करने की और विशेष से कथन करने की, कि जब उसमें नहीं है तो आप सूत्र जी की टीका में नहीं लिख सकते, आप अपनी अलग किताब लिखो उसमें लिख देना, क्यों नहीं लिख सकते? अरे हम टीकाकार हैं, हम अनुवादक नहीं हैं। अनुवादक में और टीकाकार में अंतर समझ में अब आया कि नहीं आया? तो आप लिख दो अनुवादक लिख दो, आप टीकाकार क्यों लिखते हो? माने मक्खी की मक्खी मार देना वो अनुवादक है। वो कहते हैं कि जो इसका डिटेल है हम वो बताएं तो टीकाकार है, नहीं तो जरूरत क्या है? अगर संस्कृत की हिंदी करना है, हम भाषा परिवर्तन, आप सोनगढ़ में नया शब्द निकाला अनुवादक भी नहीं, अनुवादक भी उन्हें बड़ा लगने लग गया, तो उन्हें भाषा परिवर्तनकार एक भाषा से दूसरी भाषा बदली है। अब कभी कभी ये भी बड़ा लगने लग जाएगा तो और कोई निकालेंगे, कोई आदमी बड़ा ना हो जाए, ये डर लगता है। तो उन्होंने कहा टीका है भाई साहब, हम इसका डिटेल लिखेंगे, तो भाई इसमें तो है नहीं आया कहाँ से, अन्य आगम में है ना, धवल में है, फलानी जगह फलानी बताई उनने, तो अन्य आगम में यहाँ क्यों लिखते हो? क्यों यहाँ संक्षिप्त कथन है, वहाँ विस्तार कथन है, संक्षिप्त से विस्तार कथन बलवान होता है, हम टीका लिख रहे हैं हम वो विस्तार से कथन लिखेंगे, उसमें क्या है? यदि एक ही एक लेन लिखनी होती तो हम टीका काय को लिखते, तो श्लोक बार तक इतना बड़ा कैसे बन जाता? कितना कितने अंक प्रमाण है, श्लोक प्रमाण है, बहुत बड़ा है। राजवार्तिक इतने इतने बड़े ग्रंथ लिखे हैं, तो यदि वो सूत्र से ही बंधे रहेंगे तो ये विस्तार फिर नहीं आएगी ये बात, तो ये सब बातें लिखी जाती हैं। अब देखिए कि तीसरे अध्याय में वहाँ तो सिर्फ नरकों के नाम लिखे, बस हम नाम लिख के छोड़ दें, तो उन्होंने विस्तार से वर्णन कर दिया नरक 7 होते हैं, इतने होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, ये होते हैं, सब सब उन्होंने बता दिया, कि इसकी स्थितियाँ भी डिटेल करके एक एक की बता दी, ऐसी नहीं एक एक पाथड़े की बता दी। पाथड़े समझते हैं कैसी, आप जानते हैं बिल हैं, कितने बिल हैं नरकों में? 30 लाख कितने हैं जो भी हैं, तो वो उनमें खन है मकानों के, पहले में मतलब 7वें नरक में 1 खन है बस, बिल बोलते हैं उन्हें, और फिर 6वें में 3 हैं, फिर 5वें में 5 हैं, फिर 4थे में 7 हैं, फिर 3रे में 9 हैं, फिर 2रे में 11 हैं, और पहले में 13 का, और 13 मंजिल के मकान है, 13 मंजिल है पहले में, उन्होंने वो भी बता दिए, वो भी बता दिया किस खंड में कितनी आयु उत्कृष्ट है और कितनी जगन है। इन्हें उत्कृष्ट 33 आगन जगन 10,000, लेकिन उन्होंने एक एक नरक की बताई उत्कृष्ट जगन, फिर एक एक पाथड़े की बताई उनकी भी सब लिखा है राजवार्तिक में, विस्तार से कथन किया है, तो विस्तार से कथन करने की हमारी पद्धति है, इसलिए ये चैंटे रहने की बात नहीं है, हो गया ना।
समय साल परमागम में गाथा 198 से 200 तक की चल रही थी, उसके बाद आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति टीका में दो गाथाएं ऐसी आती हैं जो अमृतचंद की टीका में नहीं है। वे पेज नंबर 169 समय सार अनुशीलन में उग्गल कम मम को हो तस् विवागोदयोहवदीसो कहे एस तुज इनका असामान्य अर्थ तो पहली गाथाओं में जो बात कही गई वैसा ही है, लेकिन इसकी जो तात्पर्य वृत्ति टीका आचार्य जयसेन ने लिखी है उसमें मार्मिक बातें हैं, उसे अपन पढ़ते हैं। इसी पेज पर है, जीव में पूर्वबद्ध पुद्गल कर्म रूप द्रव्य क्रोध से के विशेष विपाक से आत्मा में होने वाला एवं आत्म तत्व से भिन्न अक्षमा भाव रूप जो भाव क्रोध है वह मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि मैं तो टंकोत्कीर्ण परमानंदमय एक ज्ञायक भाव हूं। उन दोनों गाथाओं में जो बात कही है उन्हें एक व्यवस्थित गाथा भाव में यहां रख दिया है कि वो भाव क्रोध में नहीं हूं। अब ये शंका समाधान है, अब आप लोगों के लिए तो ये कुछ ज्यादा महत्व तो नहीं है क्योंकि खूब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जगत के लोग द्रव्य क्रोध से परिचित नहीं है। जब क्रोध की बात आती है तो वे भाव क्रोध को ही समझते हैं, जो गुस्सा आता है ना वो क्रोध है। जैसे ज्ञानावरण आदि कर्म है, ऐसा कोई क्रोध नाम का कर्म भी है उनके ख्याल में नहीं होता है। तुम लोगों के तो है, और मैं 2-3 दिन पहले बता भी दिया था। तो कहते हैं शंका, उद्गल कर्म रूप क्रोध कहाँ है, क्योंकि क्रोध तो भाव रूप ही दिखाई देता है। अब देखो अपन कहते हैं ना कि आत्मा सूक्ष्म है और पुद्गल स्थूल है। अब यहां विचार करो, पुद्गल जो क्रोध है वो सूक्ष्म है और भाव क्रोध है वो स्थूल है। तो क्रोध नामक कर्म हमें दिखाई नहीं देता और क्रोध नामक भाव हमें दिखाई देता है, गुस्सा आता है दिखाई देता है कि नहीं देता है। अब तो कहाँ है कि सूक्ष्म पुद्गल है क्या आत्मा? अरे वैसे तो परमाणु मेरी मूर्ति है, लेकिन वो तो सूक्ष्म ही है ना, आत्मा जैसा ही, वो भी केवल ज्ञान गम है। हमको तो ये उसका स्कंद दिखाई देता है, इतना बड़ा अनंत परमाणुओं का पिंड। देखो इसलिए शिष्य का प्रश्न है, देखो पुद्गल कर्म रूप क्रोध कहाँ है, क्योंकि क्रोध तो भाव रूप ही दिखाई देता है। ये शंका समाधान जयसेनाचार्य की टीका में है मौजूद, उसका अर्थ किया है अपन ने, अपनी तरफ से नहीं लिखा। समाधान ऐसा नहीं है, क्योंकि पुद्गल पिंड रूप द्रव्य क्रोध है और उसके उदय में जो अक्षमा रूप भाव होता है वह भाव क्रोध है। इस प्रकार व्याख्यान पहले भी किया जा चुका है। देखो क्रोध की परिभाषा क्या है, तुम्हें तो गुस्सा आना, ये करना वो करना, लेकिन इसमें क्या लिखी है, अक्षमा। तो पहले क्षमा समझो, तो उत्तम क्षमा क्या है, वो नहीं होना तो वो क्रोध है। अभी हम जिसको क्रोध समझते हैं वो हम ऐसा समझते हैं कि कभी कभी हमें गुस्सा आता है, बोलते ना, और ये जो क्रोध है भाव क्रोध अनादिकाल से लेके आज तक एक समय को भी इसका वियोग नहीं हुआ। आप जानते हैं निगोदिया के भी हमेशा 23 कसाएं रहती हैं,
अपन ने मनोस्वभाव पा के क्या किया, दो और नई पैदा कर ली, क्या 25 के धनी हो गए। तो वह निमोदिया में दो कौन सी कसाएं नहीं होती होंगी, है ना। वो है नपुंसक ही होते हैं वो, इसलिए स्त्री वेद और पुरुष वेद ये नाम की जो नौ कसाएं हैं वो निमोदिया के नहीं होती। तो भाव क्रोध भाव कसाएं निरंतर बनी रहती हैं। अब अभी भी आपको गुस्सा आ रहा है, अभी भी आपको मान हो रहा है, अभी भी माया हो रही, अभी भी लोभ हो रहा, इसलिए ये कहना कि मुझे तो माया तो है ही नहीं मेरा फला, वो जो वर्णन शास्त्रों में है वो तो बहुलता की दृष्टि से है। ज्यादा माया इत्थियम, स्त्रियों में माया की विशेष तत्व पर जो ऐसा कि जो दुनिया को दिखाई दे, लेकिन जो अक्षमा भाव तो मौजूद है ना, क्योंकि हमने आत्मा को जाना ही नहीं आज तक। तो आत्मा को नहीं जाना तो आत्मा को मतलब क्षमा नहीं किया, नहीं जानना ही आत्मा को नहीं क्षमा करना है। तो समझो, अब आत्मा को नहीं जानना इसका नाम अनंतानुबंधी क्रोध है, सबसे बड़ा क्रोध है। तो आप कैसा महसूस करते हो कि हमें कोई गुस्सा आ रहा है 24 घंटा, और उससे कोई हमें कर्म बन रहा है, और उससे हमें उसका फल हमें भोगना पड़ेगा, नहीं पड़ रहा है, पड़ेगा तो बाद की बात है, है? संसार में अनादिकाल से अनंत दुख भोग रहे हैं अभी भी, तो वो क्या है। तो ये परिभाषा ध्यान देने लायक है ना, कि क्योंकि पुद्गल पिंड रूप दिव्य क्रोध है, और उसके उदय में जो अक्षमा रूप भाव होता है वह भाव क्रोध है। तो 24 घंटे रहता है, ये ख्याल में आए ना। इस प्रकार का व्याख्यान पहले किया जा चुका है। देखो, अपन को उस क्रोध की तो चिंता है कौन, जो कभी कभी आता है, है ना, कि वो तो गुस्सा आना अच्छा नहीं है। जिसका गुस्सा वाला स्वभाव होता है उसका बहुत नुकसान हो जाता है, और जो लोग गुस्सा नहीं करते हैं वो लोग बहुत आराम में रहते हैं। अब गुस्सा नहीं करते हुए अनाधिकार किसने नहीं किया, गुस्सा नहीं करता तो मोक्ष में नहीं चला जाता वो, है? अब अगर पहले किया जा चुका है, कहाँ किया जा चुका है पहले, तो उन्होंने पुग्गल पिंडो दब्बम तस्सत्ति भावकम मंतु, मेरे ख्याल से ये पंक्ति गोमटसार की है। तब देखो गोमटसार में वर्णन किया है उसको भी इन्होंने पहले, मैंने गोमटसार पहले पढ़ लिया होगा तो उन्होंने पहले किया जा चुका है लिख दिया। अपन पढ़ाते हैं ना, तो आपको आप जो किताब पढ़ रहा है तत्वाशु पढ़ रहा है सबकाचार पढ़ रहा है, तो हम कहते हैं तुमने पहले पढ़ चुके हो। ऐसे जो उनके शिष्य वर्ग सामने बैठा होगा ना, अब उन्हें गोमटसार उन्हें पहले ही पढ़ा दिया होगा, पहले कह आए हैं मैंने कहा। कहते पुद्गल पंडो दिव्यम, पुद्गल का पिंड जो है वो द्रव्य कर्म है, और तत्सत्ति वो भाव कर्म है। यहाँ अब अभी वो ये बात विशेष है, अब यहाँ क्रोध के स्थान पर मान माया इस 16 सूत्र बनाने की बात है, वो अपन उसकी चर्चा अपन कल कर चुके हैं। और ये तो 16 ही की कहते हैं, और ये तो कहते हैं इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण विभाव परिणामों के सूत्र बनाए जा सकते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण सूत्र बना सकते हो, 16 ही नहीं, अब कोई बनाएगा नहीं, क्योंकि इतने कब बनाने की जरूरत है। लेकिन मुझे ख्याल में तो आना चाहिए ना, कि जैसा परिणाम हमारे इस क्रोध के प्रति है वैसे ही परिणाम अनंत विभाव हो, असंख्यात प्रकार के जो विभाव हैं वो उनके प्रति होना चाहिए। विद्या वाचस्पति वाणी भूषण जैन रत्न डॉक्टर हुकमचंद भारिल्ल जी द्वारा रचित जैन साहित्य पढ़िए और जानिए जैन तत्व दर्शन 8 भाषाओं में जैन धर्म के गूढ़ रहस्यों की सरल एवं रोचक भाषा में प्रस्तुति। अत्यल्प मूल्य पर जैन साहित्य प्राप्त करें पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, 4 बापू नगर, जयपुर, राजस्थान।